क्लासिक 350 के सारे कलर, सारे मॉडल, सारे वेरिएंट्स की लेटेस्ट ऑन रोड प्राइस लिस्ट मैं आपको बताने वाला हूँ। देख सकते हैं पीछे खड़े हैं, आगे भी बहुत सारे क्लासिक 350 के वेरिएंट्स खड़े हैं। हर एक कलर का लेटेस्ट ऑन रोड प्राइस यहाँ पर बताने वाला हूँ। एंड आपको कौन सा वाला कलर सबसे अच्छा लगा एंड में कमेंट में जरूर बताएगा। मेरा नाम है संगीत खन्ना, आप देख रहे हैं थ्रॉटल 90। लेट्स स्टार्ट दिस अमेजिंग वीडियो। क्लासिक 350 एक बहुत ज़्यादा हिट और हॉट सेलिंग बाइक है इंडियन मार्केट में। रॉयल एनफील्ड के द्वारा बनाई जाती है। इसमें काफ़ी सारे वेरियंट्स आते हैं, काफ़ी सारे कलर्स आते हैं। ये जो आपको सबसे पहले आपको कलर दिखाता हूँ, ये है क्लासिक 350 का हेल्सियन ग्रीन। और हेल्सियन ग्रीन में भी ये सिंगल चैनल ABS वाला वेरियंट है, बिकॉज पीछे ड्रम ब्रेक आता है। डिस्क ब्रेक वाला जो वेरियंट है वो डुअल चैनल वाला था। ये हेल्सियन ग्रीन का सिंगल चैनल ABS वाला वेरिएंट है, सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट मुझे लगता है। ऑलमोस्ट 2,36,000 रुपए प्राइस आता है उसका ऑन रोड। 2,36,000 रुपीज इज ऑन रोड प्राइस ऑफ दिस स्पेसिफिक कलर, दिस स्पेसिफिक बाइक। एंड ऑल टुगेदर जो है कुछ इस प्रकार से आपको ओवरऑल बाइक का लुक देखने को मिलता है। सो दिस इज द हेल्सियन सीरीज। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट कलर के पास, जो कि सबसे प्रीमियम, सबसे एक्सपेंसिव और अल्टीमेट कलर आता है। दिस इज द क्रोम सीरीज। क्रोम सीरीज जो है वो सबसे महंगी कलर है पूरी क्लासिक 350 लाइनअप में। यहाँ पर क्रोम सीरीज के अंदर क्रोम ब्रॉन्ज ये कलर आपको देखने को मिलता है। बहुत आप देख सकते हैं कितना अल्टीमेट और प्रीमियम आपको फिनिश देखने को मिलती है। बाकी ये जो कलर है ये आप देख सकते हैं, थोड़ा जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ कितना बढ़िया यहाँ पर क्रोम फिनिश है। दिस इज काइंड ऑफ अ मिरर फिनिश ऑल टुगेदर, मतलब आई कैन सी माई सेल्फ वेरी इजिली। बहुत ही प्रीमियम ये फिनिश आती है। एंड इसका जो प्राइस है वो भी बड़ा ही प्रीमियम है। 2,69,000 रुपीज़ प्राइस है इस बाइक का। दिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव क्लासिक 350 कलर, सबसे महंगा कलर है, सबसे महंगा वेरिएंट है क्लासिक 350 के अंदर ये, एंड सबसे प्रीमियम वेरिएंट भी है। स्पोक व्हील्स आते हैं इसके अंदर, ट्यूब वाले टायर आते हैं, हेलोजन हेडलाइट क्लस्टर आती है। ये आप जो विंडस्क्रीन, लेग गार्ड और जो बैकरेस्ट देख रहे हैं, ये एक्सेसरी के रूप में एक बाइक के साथ नहीं आता है। जैसे मीटियर 350 में कंपनी फिट आते हैं, वैसे इसके अंदर नहीं आते हैं। बाकी यहाँ पर जो है आपको कलर बड़ा ही बढ़िया देखने को मिलता है ऑल टुगेदर। दिस इज द क्रोम ब्रॉन्ज। सो प्राइस मैंने आपको बताया ऑलमोस्ट 2,69,000 रुपीज ऑन रोड जयपुर है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट कलर के पास, माय फेवरेट वेरिएंट। दिस इज द डार्क सीरीज। डार्क सीरीज आप देख सकते हो बहुत ही प्रीमियम सीरीज आती है, बहुत ही प्रीमियम लुक के साथ बाइक आती है ये। एंड इस बाइक की सबसे बड़ी खास बात यह है कि अलॉय व्हील कंपनी फिटेड आते हैं। प्रॉपर यहाँ पर आपको ब्लैक टोन के अंदर बाइक देखने को मिलती है, मतलब इनफैक्ट अलॉय व्हील तो ब्लैक है ही, साइलेंसर भी ब्लैक है, इंजन भी ब्लैक पेंटेड है। वहाँ पर आपको बॉक्स भी ब्लैक पेंटेड देखने को मिलेगा। इनफैक्ट मैं आपको दिखाता हूँ, सस्पेंशन सेटअप इज ऑल्सो ब्लैक कलर। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा इसके अंदर ब्लैक टोन है। इनफैक्ट हैंडल बार्स ब्लैक आते हैं, ये जो आपको प्लास्टिक पार्ट्स हैं ये सब ब्लैक आपको देखने को मिलते हैं, लीवर्स वगैरह प्रॉपर ब्लैक देखने को मिलते हैं। ब्लैक टोन इसलिए डार्क सीरीज इसे कहते हैं। एंड ये है डार्क गन मेटल ग्रे। गन मेटल ग्रे जो है इसका ऑन प्राइस आता है ऑलमोस्ट 2,65,000 रुपीज़, 2,65,000 रुपये ऑन प्राइस है। ओवरऑल ये जो कलर है आपको बड़ा ही डिफरेंट, बड़ा ही अतरंगी सा देखने को मिलता है। एंड इसके अंदर दो कलर आते हैं डार्क सीरीज के अंदर, गन मेटल ग्रे और स्टील्थ ब्लैक। स्टील्थ ब्लैक पूरा ही ब्लैक आता है, उसके अंदर रेड और ब्लैक का कलर कॉम्बिनेशन आता है, मतलब रेड स्ट्रिप्स आती है, बाकी पूरा ब्लैक आता है। इनफैक्ट फेंडर टैंक एंड पीछे रियर फेंडर एंड जो बॉक्स है ये पूरा आपको जो है ब्लैक कलर के अंदर देखने को मिलता है। यहाँ पर गन मेटल ग्रे के अंदर ग्रे कलर आता है, पूरा मेटल मैट फिनिश के अंदर एक कलर आता है, बहुत डिफरेंट लगता है। मैट फिनिश के अंदर दो ही वेरियंट्स आते हैं क्लासिक 350 के अंदर, एक तो डार्क सीरीज आती है और दूसरा आता है यहाँ पर सिग्नल सीरीज। सिग्नल सीरीज अभी मैं इसके बाद आपको दिखाता हूँ, उसके पहले एक बार बात कर लेते हैं यहाँ पर डार्क सीरीज के बारे में। सो अलॉय व्हील का फायदा ये है कि इसके अंदर आपको ट्यूबलेस टायर देखने को मिलते हैं। ये इकलौता वेरिएंट है जिसके अंदर कंपनी फिटेड ट्यूबलेस टायर आते हैं। बाकी सारे वेरियंट्स में आपको मेक इट योर्स की हेल्प से अलॉय व्हील्स लगवाना पड़ता है। अलॉय व्हील्स बेस वेरियंट में और हेल्सियन सीरीज के सिंगल चैनल बेस वेरियंट में नहीं लग सकते, बिकॉज उनमें ड्रम ब्रेक आता है। जो अलॉय व्हील्स हैं सिर्फ उन्हीं वेरियंट में लगते हैं जिसके अंदर पीछे डिस्क ब्रेक आता है। बाकी यहाँ पर जो है आपको डार्क सीरीज कुछ इस प्रकार से देखने को मिलती है। अब चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट कलर, नेक्स्ट वेरिएंट के पास, जो कि है सिग्नल सीरीज। अब सिग्नल सीरीज में जो है दो कलर्स आते हैं सिग्नल पे, तो आता है यहाँ पर मार्स ग्रे और दूसरा आता है सैंड। यहाँ पर जो मैं आपको बाइक दिखाने वाला हूँ वो है मार्स ग्रे, जो कि यहाँ पर खड़ी हुई है। मार्स ग्रे कुछ इस प्रकार से देखने को मिलती है सिग्नल सीरीज की। ये एक कस्टम बिल्ट आप कह सकते हैं आपको वेरिएंट देखने को मिलता है, बिकॉज ये मेक इट योर्स वाला वेरिएंट है। इसके अंदर आपको जो है टूरिंग सीट्स देखने को मिलती है ऑल टुगेदर। बाकी यहाँ पर अगर मैं बात करूँ मार्स ग्रे के बारे में, तो मार्स ग्रे भी एक आपको पूरा मैट फिनिश के अंदर कलर देगा। एंड इसके साथ जो ये बाइक है
इसके अंदर आपको स्पोक व्हील्स कंपनी फिटेड देखने को मिलते हैं, ट्यूब टायर आते हैं, 300 मिलीमीटर का फ्रंट में डिस्क ब्रेक आता है, इंजन जो है आपको ब्लैक आउट देखने को मिलता है, साथ में एग्जॉस्ट सेटअप भी जो है वो आपको ब्लैक आउट देखने को मिलता है, एंड रियर में आपको 240 मिलीमीटर का डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है, बाइब्री कैलिपर देखने को मिलते हैं, एंड रियर सेक्शन को जिस प्रकार से आता है, बल्ब टेल लाइट, बल्ब इंडिकेटर्स आती हैं, ऑल टुगेदर 13.2 13 लीटर्स का फ्यूल टैंक आता है, एंड साइड से जो बाइक का लुक है कुछ इस प्रकार से आता है। अब इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट कलर आपको दिखाता हूँ जो कि बाहर खड़ा है, विच इज़ द डुअल चैनल बेस वेरिएंट ऑफ हेल्सियन ग्रीन। जो ये हेल्सियन ग्रीन आप देख रहे हैं, इसका ये जो सिंगल चैनल बेस वेरियंट है, इसका डुअल चैनल वाला भी दिखाता हूँ। सो बाहर खड़ा है यहाँ पर हेल्सियन ग्रीन का डुअल चैनल बेस वेरियंट। सो दिस इज द डुअल चैनल बेस वेरिएंट, कुछ इस प्रकार से आपको बाइक देखने को मिलती है। इसे पीछे आपको दिखाता हूँ, डिस्क ब्रेक है, ड्रम ब्रेक्स नहीं है, डिस्क ब्रेक आता है पीछे, एंड इसका जो प्राइस है हेल्सियन ग्रीन का ऑलमोस्ट 2,43,000 रुपीज़ आता है। सो ये भी अगर आप लेना चाहते हैं डुअल चैनल बेस वेरिएंट के साथ, तो बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी आपको ओवरऑल यहाँ पर ये कलर देखने को मिलने वाला है। बाकी यहाँ पर क्लासिक 350 के अंदर जो बेस वेरिएंट आता है वो अप्रॉक्सीमेटली आता है 2,33,000 रुपीज़ का। ये तो आप काफ़ी मतलब अच्छा वेरिएंट देखने को मिलता है। सो बेस वेरिएंट आता है, उसके बाद फिर आता है हेल्सियन सीरीज का सिंगल चैनल बेस वेरिएंट, फिर आता है हेल्सियन सीरीज का डुअल चैनल बेस वेरिएंट, फिर अगर हम बात करें फिर आती है सिग्नल सीरीज, देन उसके बाद आती है यहाँ पर डार्क सीरीज एंड टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट, क्रोम सीरीज टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट उसके बाद आती है। बाकी यहाँ पर जो है आप लेना चाहते हैं क्रोम सीरीज के अंदर बाइक, तो आप ले सकते हैं क्रोम ब्रॉन्ज। बाकी अगर आपको ट्यूबलेस टायर वाला ऑप्शन चाहिए तो आप ले सकते हैं यहाँ पर डार्क सीरीज, एंड डार्क सीरीज मुझे पर्सनली अच्छी लगती है बिकॉज इसका लुक भी बड़ा ही डिफरेंट एंड एकदम गैंगस्टर लुक वाली बाइकें लगती है ऑल टुगेदर। सो मुझे पर्सनली ये वाला कलर भी काफ़ी अच्छा लगता है। बाकी हाँ, वैल्यू फॉर मनी अगर आपको चाहिए तो मैं आपको बोलूँगा आप हेल्सियन सीरीज ले सकते हो। हेल्सियन सीरीज के अंदर जो सिंगल चैनल बेस वेरिएंट वहाँ खड़ा है वो काफ़ी वैल्यू फॉर मनी है, बट हाँ अगर आपको ब्रेक्स अच्छे चाहिए, आप थोड़ी बाइक तेज चलाते हो, तो इसके अंदर भी आप जो है डुअल चैनल बेस वेरिएंट लेना, सिंगल चैनल बेस वेरिएंट नहीं लेना। बाकी जो बाइक है इसको फाइनेंस कराना बड़ा इजी है, मतलब अगर आपकी 20-25,000 रुपये सैलरी तो आप इजीली इस बाइक को खरीद सकते हो। आपका खुद का घर है तो इस बाइक को फाइनेंस कराना बड़ा इजी हो जाता है, एंड लगभग आप 60,000 रुपये के आसपास डाउन पेमेंट दो और इस बाइक को आप इजीली अपने घर ले जा सकते हो। बाइक्स की जो प्राइस स्टार्ट होती है क्लासिक 350 की 2,33,000 रुपये से होती है और जाती है ऑलमोस्ट 2,69,000 रुपीज़, मतलब 2,70,000 रुपये मान लो आप अप्रॉक्सीमेटली। सो कुछ इस प्रकार से जो है प्राइस लिस्ट आती है क्लासिक 350 की। आपको सबसे ज़्यादा अच्छा कलर कौन सा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। मैंने आपको बताया मेरा फेवरेट कलर विच इज़ दी डार्क सीरीज। बाकी आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट कौन सा लगता है ये भी कमेंट में बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आज की वीडियो थी ऑल अबाउट द क्लासिक 350। बहुत अच्छी क्वालिटी वाली बाइक है, बहुत अच्छी फिनिश वाली बाइक है, ऑल टुगेदर बहुत ज़्यादा बिकती है इंडियन मार्केट में। इट इज़ वेरी फेमस इन इंडियन मार्केट बिकॉज कंफर्ट बहुत ज़्यादा है, स्प्लिट सीट आती है, सो चलाने में बढ़िया है गाड़ी ऑल टुगेदर। बाकी यहाँ पर आपको बाइक के अंदर क्या अच्छा लगता है क्या अच्छा नहीं लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। वीडियो में आज इतना ही था, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करेगा, शेयर करेगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, टिल देन बी हैप्पी एंड राइड सेफ। बाय बाय।